नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो के साथ। मैं आगे आज का वीडियो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट, जो दोस्त केबीसी में जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मददगार होगी ये वीडियो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जमकर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अरेंज दीज स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेसी रेट हाईएस्ट टू लोएस्ट। इन राज्यों को उनके साक्षरता दर के अनुसार सबसे उच्चतम से निम्नतम की ओर सजाना है। पहला ए गोवा, बी केरला, सी मिजोरम, डी बिहार। और समय समाप्त। ये रहा सही जवाब। अगर आप लिखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले होगा बी केरला, फिर सी, उसके बाद ए गोवा 82%, फिर डी बिहार 47%, केरला 90.92%, मिजोरम 80%, गोवा 82% और बिहार 47%। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक्स दे। ये रहा दूसरा प्रश्न। अरेंज दीज एनिमल्स बाय देयर स्पीड स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। इन एनिमल को उनके स्पीड के स्लो से यानी कम गति से अधिकतम गति में चलने वाले जानवरों को सजाना है। अरेंज दीज एनिमल्स बाय देयर स्पीड। ए स्नेल, बी टॉर्टोइस, सी एलिफेंट, डी एस। और पहले होगा ए स्नेल सबसे कम गति, उसके बाद बी टॉर्टोइज, फिर डी एस और फिर सी एलिफेंट। ए बी डी सी इसका सही क्रम। आप चेक कर ले आपने क्या जवाब दिया और सही क्रम आपका क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। अरेंज दीज माउंटेन्स बाय देयर हाइट हाइएस्ट टू लोएस्ट। जो सबसे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत है उनको पहले और जो कम ऊंचाई वाले पर्वत है उनको बाद में सजाना है। अरेंज दीज माउंटेन्स बाय देयर हाइट हाइएस्ट टू लोएस्ट। ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी धौलागिरी, डी नंदा देवी। और सही जवाब है सबसे पहले बी माउंट एवरेस्ट, फिर ए कंचनजंगा, फिर सी धौलागिरी और फिर डी नंदा देवी। बी ए सी डी। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर और फिर नंदा देवी 7817। अगला प्रश्न। अरेंज दीज हिस्ट्रिकल इवेंट अकॉर्डिंग टू देयर डेट फर्स्ट टू लास्ट। इन ऐतिहासिक घटनाओं को उनका पहले से घटने के क्रम में बाद के क्रम को सजाएं। जो पहले घटा हो पहले और जो बाद में घटा उनको बाद में सजाना है ऐतिहासिक घटनाओं को।
दांडी यात्रा, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी इंडिया गॉट फ्रीडम, डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले होगा डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, फिर ए डांडी यात्रा 1930, फिर बी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और अंत में सी इंडिया गॉट फ्रीडम 1947। डी ए बी सी, ये रहा सही क्रम। और तैयार हो जाइए अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, Arrange the High Court of India as they established first to last। इन उच्चतम न्यायालय को उनके स्थापित होने के क्रम में सजाना है। पहले जो पहले स्थापित हुआ पहले, और जो बाद में स्थापित हुआ उनको बाद में सजाना है। Arrange the High Court of India as they established first to last। ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी रांची, डी इलाहाबाद। ए बॉम्बे हाईकोर्ट, बी कलकत्ता हाईकोर्ट, सी रांची हाईकोर्ट, डी इलाहाबाद हाईकोर्ट। सभी हाईकोर्ट का नाम है। सही जवाब और समय समाप्त। सही जवाब है डिवाइस। सबसे पहले बी कलकत्ता 1861, मोबाइल, फिर ए बॉम्बे हाईकोर्ट 1862, फिर डी इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866, फिर सी रांची मोबाइल यानी सेलफोन जो हम बी ए डी सी। अगला प्रश्न तैयार हो जाइए। ये रहा और ये रहा अगला प्रश्न। बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग नंबर ऑफ पीपल, शरीर के अंगों को उनके हायर छोटे साइज से बड़े भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर है। जो ज्यादा बोले जाने वाली भाषा उनको पहले रखना है, बाद कम बोले जाते हैं बाद में सजाना है। Arrange these body parts, arrange these languages according length, to speaking number of shortest people, to longest, higher to lowest। A Hindi, B French, C English, D Bangla। और समय समाप्त। अब सही जवाब जल्दी आएंगे, तैयार हो जाइए देखने के लिए। देख लेते हैं सही जवाब। पहले सी होगा इंग्लिश, फिर ए हिंदी, उसके बाद डी बंगला और अंत में बी फ्रेंच। अगला प्रश्न, दिन के इन समय को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। दिन में ये समय जो पहले आता है उनको पहले सजाना है, और जो समय बाद में आता है उनको बाद में सजाना है। ए भोर, बी शाम, सी दोपहर, डी रात। Thank you।
सही क्रम होगा, सबसे पहले ए भोर, फिर सी दोपहर, फिर बी शाम, फिर डी रात।